और आगे बढ़ेंगे भोपाल से मिल रही खबर के साथ, जहां चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, राहुल गांधी के पब वाले वीडियो पर मंत्री सारंग का बयान सामने आया है। मंत्री सारंग ने कहा कि राहुल गांधी की कलई खुल गई। राहुल गांधी विदेश में रंग रैलियां मनाने जाते थे। राहुल कहते थे कि वो विदेश जाते हैं ध्यान और योग के लिए, लेकिन वहां जाकर वे भोग कर रहे हैं। तो आगे मंत्री सारंग ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि नेहरू परिवार की संस्कृति रही है। राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का पब में जाकर लड़कियों के साथ रंग रैलियां मनाने से शर्मनाक कुछ भी नहीं। साथ ही मंत्री सारंग ने आगे कहा कि इटली की महारानी के बेटे से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में समस्याएं हैं और उन समस्याओं का डिस्कशन करने वो लड़की के साथ पब गए थे। राहुल गांधी के इस कृत्य ने देश को शर्मसार किया है। तो ये वही वीडियो है जिसको लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। राहुल गांधी की कलई खुल गई। विदेश रंग रंगरलियां मनाने जाते थे, बातें करते हैं कि मैं विदेश जाता हूं ध्यान के लिए, योग के लिए, और वहां जाकर भोग कर रहे हो। पर ये इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि नेहरू परिवार की संस्कृति रही है। बहुत सारी फोटो तो हमने नेहरू जी की भी देखी है, इस तरह की ही पब में जाना। एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़कियों के साथ रंग रंगरलियां मनाना, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। पर इटली की संस्कृति में इटली की महारानी के बेटे से और हम अपेक्षा क्या कर सकते हैं। बातें करते हैं कि इस देश में समस्याएं हैं, हिंदुस्तान की समस्याओं को लेकर अनर्गल ट्वीट करते हैं। क्या वही समस्याओं का डिस्कशन करने के लिए वो पब में गए थे लड़की के साथ? जाम से जाम टकराकर इस देश के सम्मान को तार तार करने वाले राहुल गांधी, निश्चित रूप से आपके इस कृत्य ने पूरे देश को शर्मसार किया। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। नीरज, मंत्री विश्वास सारंग ने एक बयान दिया है राहुल गांधी के एक वायरल वीडियो को लेकर। उन्होंने बयान दिया और कहा है कि राहुल गांधी कहते हैं कि देश में समस्याएं हैं, लेकिन उन्हीं समस्याओं का डिस्कशन करने वो लड़की के साथ पब गए थे। जी बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी पब में नजर आ रहे हैं एक महिला के साथ, तो जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि राजनीति गरमाएगी। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूरे गांधी परिवार को लेकर सवाल और निशान लगाए हैं और राहुल गांधी पर तंज भी कसा है। उन्होंने राहुल गांधी जिस तरह से जो ट्वीट करते रहते हैं पेट्रोल महंगाई बेरोजगारी को लेकर और समस्याओं के बारे में सरकार को घेरते रहते हैं, मोदी सरकार को घेरते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वास सारंग ने उस पर भी तंज कसा है। और उन्होंने कहा राहुल गांधी कहते हैं कि देश में समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं का डिस्कशन करने हुए लड़की के साथ पब में गए थे। तो कहीं ना कहीं बड़ा हमला यहाँ पर राहुल गांधी पर बोला है। और साथ ही राहुल गांधी ये भी कहा है कि राहुल गांधी के इस कृत्य ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। राष्ट्रीय पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का पब में जाकर लड़कियों के साथ रंग रैलियां मनाना काफी शर्मनाक है। तो इस तरह से ये वीडियो के बाद जो है अब प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई है। हालांकि पहली प्रतिक्रिया जो है चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की आई है, उन्होंने काफी जमकर जो है राहुल गांधी पर और गांधी परिवार पर बरसे हैं। जी बिल्कुल नीरज, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनकी निजी लाइफ का मामला उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन कुछ लोग इसे जोड़कर भी देख रहे हैं, जैसे कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने उसे समस्याओं से जोड़कर कहा पूरे गांधी परिवार पर निशाना साधा। कांग्रेस की क्या कोई प्रतिक्रिया देखने को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए चूंकि मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है, इसमें कांग्रेस के कोई नेता इस बारे में बोलने से बचते ही नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरह से सोशल मीडिया पर जिस हिसाब से ये वीडियो जो है ट्रोल हो रहा है, तो उसके बाद कई सारे जो प्रतिक्रियाएं आई उसके फलस्वरूप कई लोगों ने ये भी कहा कि ये उनकी पर्सनल जिंदगी है और अपनी पर्सनल लाइफ में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिस तरह से एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राहुल गांधी नेता माने जाते हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नाम चला, तो कहीं ना कहीं इस तरह पब में लड़की के साथ में जो वीडियो वायरल हुआ, तो उस पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष को एक मौका, सरकार को जो बीजेपी है उसको एक मौका जरूर मिल गया है इन पर हमला बोलने का। जी बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।